कटिंग स्लैब। हमने सबसे पहले जो कैपेसिटर निकाला वो सिंगल एक स्फेयर ले लिया, एक प्लेट ले ली, उससे बात नहीं बनी तो हमने मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन में क्या सीखा कि एक प्लेट के सामने एक और प्लेट रख दी जाए जिससे कि कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दुनिया में जितने भी कैपेसिटर बने वो पैरेलल प्लेट बनने शुरू हो गए। पैरेलल प्लेट से भी बात नहीं बनी, एक और मॉडिफिकेशन आई। मॉडिफिकेशन ये आई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें जैसे हम लेते हैं वैसे ही लें, बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दें। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब एक कंडक्टर लें, उस कंडक्टर को इसके बीच में डाल दें। तो जब आप उस कंडक्टर को इसके बीच में डालेंगे तो आप देखेंगे आज अभी थोड़ी देर में इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो हम बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस के। तो अब हम एक बढ़िया कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने क्या डाली है, कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया। अब जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को डाला तो यहां पर ये पहली प्लेट पे चार्ज मैं देता हूं प्लस क्यू, बस मैंने यही देना होता है। और बाय इंडक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, कंडक्टर पे नेगेटिव। बाय इंडक्शन कंडक्शन की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाय इंडक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने जो ओरिजिनल चार्ज दिया वो तो यही दिया, ये तो बाय इंड्यूस चार्जेस है सारे के सारे। क्लियर है, इंड्यूस चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये मैंने प्रॉपर्टी की थी लास्ट टाइम, तो मैंने जीरो मार्क कर लिया। इस दो ओरिजिनल प्लेट्स के बीच में जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो कितना है, डी। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में डिस्टेंस कितना है, डी। और ये जो स्लैब है वो कितनी मोटी है, टी। इसकी थिकनेस कितनी है, टी। डी टी, टी इज लेस देन डी, तो छोटी स्लैब है, ये भी क्लियर है। तो जो रीजन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये रीजन दिखा रहा हूं, ये वाला, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। वेयर ई नॉट कितना है, ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको ई नॉट कर लेना। ई नॉट का मतलब है कि जहां पर ये बाहर, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया, ई नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। अब मेरे को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड में, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। कैसे, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर हम करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, E इंटू डी आर, आपने किया भी, माइनस ई डॉट डी आर। यानी कि अगर मैं किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूं इसमें, मैं इसमें क्या करने वाला हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, ई नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, क्योंकि ये बड़े वाला डी है, इसमें से टी माइनस करोगे तो ये और ये लेंथ मिला के क्या आएगी, डी माइनस टी। अच्छा ये बात बताओ कि अगर मैं ये प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट डालता ही ना, कंडक्टिंग स्लैब डालता ही ना, तो फिर उस केस में ये कैपेसिटर मेरा पुराना कैपेसिटर बन जाता है, ये वाला बिना कंडक्टिंग स्लैब के, यही आंसर है। और इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यही लिखा हुआ है, विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, अगर कंडक्टिंग स्लैब ना होती तो ये कैपेसिटी थी, लेकिन अब कंडक्टिंग स्लैब है तो मुझे अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा नया, जो डेवलप होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। वो क्यों, क्योंकि जो नई कैपेसिटेंस होगी वो चार्ज तो इसमें भी क्यू, पहले भी क्यू है, डिवाइडेड बाय नया पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कॉर्नर की प्लेट्स में चेंज हो गया, तो वो कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने है, ई नॉट, कितने रीजन में, डी माइनस टी में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, और डिस्टेंस कितना है, टी, तो जीरो इंटू टी। तो ये स्टेप क्लियर है, तो यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, वैसे भी एक रूल है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, ई जीरो होता है और वी कॉन्स्टेंट होता है। तो सोचो जितना वी यहां पर है उतना ही वी यहां पर, तो वी माइनस वी क्या आ गया, वैसे भी जीरो। तो क्लियर है यहां तक, तो यानी कि यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस आया ई नॉट इंटू डी माइनस टी। क्लियर है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, और यहां पे भी कितना है, ई नॉट, और ये लेंथ कितनी है, मिला के डी में से टी माइनस करेंगे तो ये लेंथ आएगी, तो ई नॉट इनटू डी माइनस टी। ये तो ओरिजिन कंडक्टिंग स्लैब को हटाएंगे तो ओरिजिनल प्लेट्स ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ही हुआ है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। स्लैब के अंदर जीरो है, स्लैब के बाहर तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, मैंने इसको ई नॉट बोला है, ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
ये जैसे हमने फ्लक्स में किया था ना ये वाला, ये सेम। तो अगर मैं स्लैब डाल दी, स्लैब के अंदर जीरो है, बाकी जगह तो सेम है ना, तो बाकी जगह तो ये रही सेम है ठीक। तो इसको मैंने ई नॉट का नाम दिया है बेसिकली, ई नॉट, राइट, ई नॉट कर लो इसे, ये कहा था ठीक। तो स्लैब के अंदर जीरो, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की ये टर्म आ गई। अब ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन नया पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, क्यू से क्यू कैंसल आंसर। तो ये फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग स्लैब है, तो कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद जिसकी थिकनेस टी है, ये आपके पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो बिना कंडक्टिंग स्लैब के आंसर क्या था, ये आंसर है। विद कंडक्टिंग स्लैब आंसर क्या है, ये आंसर है। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, इसका डिनोमिनेटर कम हो गया, डी माइनस टी, उसका डी है, इसका डी माइनस टी, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये फ्रैक्शन विल इंक्रीज, ये फ्रैक्शन बढ़ गई। तो मानना पड़ेगा स्लैब डालने से नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ, हमारी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। क्लियर हो गया यहां तक, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। करके भी दिखाया, इक्वेशन नंबर टू है विद स्लैब, इक्वेशन नंबर वन है विदाउट स्लैब। अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट ए कैंसल, क्या बचेगा, डी अपॉन डी माइनस टी। तो साफ पता लग रहा है डी बड़ा है, डी माइनस टी छोटा है, तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन, तो सी ग्रेटर देन सी नॉट। ये प्रूव हो गया कि कंडक्टिंग स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी क्लियर है यहां तक। अब कोई कहता है कि देखो ये तो बढ़िया हो गया, मैंने कहा क्या, वो कहता है टी जितना बड़ा होगा, टी जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी, फ्रैक्शन छोटी होगी कैपेसिटेंस उतनी बड़ी होगी। तो और बड़ी स्लैब को डाला जाए, टी बड़े से बड़ा रखा जाए, बड़े से बड़ा रखा जाए, इतना बड़ा रखा जाए कि स्लैब के बीच में फिट कर दो बिल्कुल, इतनी सी स्पेस ना रखी जाए। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ केस किया जाए कि ये अगर आपके पास एक स्लैब है, ये आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और मैं केस ले रहा हूं ये डिस्टेंस डी है, और मैंने फिल कर दिया इसे किसके साथ, कंडक्टर के साथ, कंडक्टर के साथ। तो यानी कि मैंने क्या कहा, टी और डी बराबरी कर दिए। मेरे को था कि अगर टी जितना बड़ा होगा उतना ही फायदा होगा, तो फिर ठीक हुआ, टी अगर डी के इक्वल हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो, कैपेसिटेंस क्या होगी, इन्फिनिटी। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी। आप तो 2 कूलम, 4 कूल, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये तो कह रहे हैं इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है, तो जितना मर्जी चार्ज स्टोर करेगा, सही है, फायदा हो गया। ओके, ये वैसा ही हुआ जैसे आपको किसी ने कहा कि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है, और क्यों इनफाइनाइट है पता है, आप यहां से इस प्लेट को क्या दे रहे हो, चार्ज, ये कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में आ गई, सारा का सारा चार्ज किस में जा रहा है, ग्राउंड में, क्योंकि कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में सारा का सारा ग्राउंड में जा रहा है। और आपको कैपेसिटर ये कह रहा है चार्ज देते जाओ देते जाओ, आप लगे हो चार्ज देने, वो सारा चार्ज कहाँ भेज रहा है, ग्राउंड में। बिल्कुल वैसी जैसे एक दुकान पे जाओ, उसे बोलो एक हमें बकेट चाहिए, बाल्टी चाहिए, 5 लीटर की नहीं चाहिए, बड़ी कैपेसिटी की चाहिए, वो कहते हैं इतनी कैपेसिटी की दूंगा, याद रखोगे, कितनी कैपेसिटी की, इनफाइनाइट कैपेसिटी, जितना मर्जी पानी स्टोर करते जाओ। तो ठीक है, बाल्टी नीचे होल करके दे दिया उसने, तो ये तो वही बात होगी, जो पानी ऊपर डाल रहे हो वो होल के थ्रू ग्राउंड में जा रहे हैं, तो होगी ना इनफाइनाइट कैपेसिटी, तो बढ़िया है। तो वही केस है, ये कैपेसिटर खराब हो चुका है, इस कैपेसिटर को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जितना भी चार्ज दोगे वो स्टोर करेगा ही नहीं, अल्टीमेटली किसको देता जा रहा है, ग्राउंड को। तो इसलिए इस